हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिकांत है और वेलकम टू अवर शो तबला टॉक। और मैं हमारे सारे श्रोताजनों को, हमारे सारे तबला प्रेमियों को और हमारे सारे गुरुजनों को प्रणाम करता हूं। और किसी ने क्या खूब कहा है दोस्तों, जब कभी बोलना वक्त पर बोलना, मुद्दतों सोचना मुख्तसर बोलना। जी हां दोस्तों, आज के इस शो के सवाल हैं उसके बारे में हमने मुद्दतों सोचा है, काफी विचार किया है, काफी रिसर्च की है और काफी समय के बाद हम इस टॉपिक पे बात करने के लिए आपके सामने हाजिर हुए हैं। और दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी, एक ऐसी शख्सियत है जिनको प्रिंस ऑफ लाइट म्यूजिक कहा जाता है और तबले में, पर्कशन में और सिंगिंग में भी। दोस्तों, आज मैं स्वागत करता हूं और छोटा मुंह बड़ी बात मैं क्या ही परिचय दे पाऊंगा, मैं इनका शिष्य हूं, इनका शागिर्द हूं। मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं उस्ताद शादाब शाकुरी जी को। नमस्कार, प्रणाम उस्ताद जी। प्रणाम। और इस शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये काफी समय से पेंडिंग था तो आज काफी सौभाग्यशाली मौका है और मुझे लगता है कि आज जो भी सवालों के आप जवाब सुनेंगे उनसे या तो आप हिल जाएंगे या आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे या हो सकता है कई जगह पे आपको कंट्रोवर्सी भी लगे। तो देखिए, कंट्रोवर्सी एक इंग्लिश शब्द है लेकिन अगर आप आत्मचिंतन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कंट्रोवर्सी नहीं, ये कुछ चीजें सोचने वाली बात है। सच को कंट्रोवर्सी जो नाम दिया है ब्रिटिशर्स ने दिया है, सच सच ही होता है। ठीक है, तो जिनमें सच सुनने की क्षमता हो, सही चीज सीखने की क्षमता हो, वो इस शो को जरूर देखे और इस शो को लोगों तक पहुंचाए। और ये तबला टॉक सिर्फ उस्ताद जी तबला वादकों और पर्कशनिस्ट मेनली उन लोगों के लिए है म्यूजिक इंडस्ट्री में जो हैं और जो आना चाहते हैं, जो सीख रहे हैं, जो सीखना चाहते हैं या जो सुनते हैं लेकिन सीख नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी कंडीशंस है लेकिन उनमें से एक मैं भी हूं। सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि थैंक यू अनी, थैंक्स वंस अगेन मुझे शो पे बुलाने के लिए। और काफी वक्त से ये हमारी फोन पे बातचीत चल रही थी जी कि उस्ताद जी ये करना है जी। और हालांकि पहले हो भी जाता जी, बट फिर एक वक्त ऐसा है कि कभी मैं बिजी हो गया, कभी जी तुम बिजी हो गए जी, बट फाइनली आज वो दिन आ गया जी। हम लोग और... व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। हम सोच रहे थे कि इसको हम बातों के दरमियान आप तक पहुंचाएंगे। मुझे बड़ी खुशी हुई जब ये बात रखी गई कि भाई मुझे कुछ खास बातों को लेके डिस्कशन करना है जी, तो ये मेरा सौभाग्य है और मुझे मेरे लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि मैंने अपने जो गुरु और उस्तादों से जो सीखा है, जो तालीम ली है और जो शिक्षा प्राप्त की है, वो आगे मैं पहुंचा सकूं, दूसरों तक भी जाए ताकि वो फिर अपने आगे लोगों को सिखाए, खुद भी बढ़े आगे और दूसरों को भी बढ़े। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, उस्ताद शादाब शाकुरी जी के बारे में मैं क्या ही कहूं, आप बस नाम डालिए यूट्यूब पे और आपको ढेरों वीडियो मिलेंगे। आप संगीत सुनना चाहते हैं, किसी विषय पे आप सुनना चाहते हैं, आप बड़े गुरुजनों के साथ इनको संगत करते हुए देखना चाहते हैं, तो टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करिए, नाम टाइप करिए, सुनिए, सीखिए, लोगों को शेयर करिए, बताइए। मैं भी यही करता हूं क्योंकि मुझे जरूरत है। तो उस्ताद जी, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को अपने बारे में और अपने गुरुओं के बारे में, अपनी तालीम के बारे में थोड़ा बताएं कि आपने किस तरह से इस मुकाम को हासिल किया है। मेरी तालीम प्रेरणा जो इंस्पिरेशन है वो तो घर से ही मिली मुझे जी। घर में संगीत था, बचपन से देखा मैंने, होश संभाला तो संगीत ही था जी। पिताजी भी सितार नवाज हैं, उस्ताद रोशन जमाल भारतिया, और दादाजी भी मेरे उस्ताद जमालुद्दीन भारतिया जो कि पंडित रविशंकर जी के वन ऑफ द बहुत एडवांस स्टूडेंट्स में। क्या बात है। एंड ही वाज द एम्बेसडर ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियंस टू यूरोप। अमेजिंग। सो जितने भी इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियंस
जो यूरोप आते थे तो दादाजी का बहुत बड़ा योगदान रहा कि वो मतलब वो एक दरवाजा थे जी इंडियन म्यूजिशियंस को वहां इंट्रोड्यूस करने में जी। तो दादाजी का स्कूल भी था वहां त्रितंत्री विद्यापीठ के नाम से। अच्छा। जो जिसके फाउंडर दादाजी थे और ये स्कूल की जो स्थापना है वो पंडित रविशंकर जी ने की थी। क्या तो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। और फिर उसके बाद मेरी जो तालीम हुई वो मैंने कई गुरुओं से सीखा जी। सबसे पहले तो मैं मेरे घर में मेरे चाचा हैं उस्ताद रईस जमाल, तो उनसे तालीम मुझे मिली है। फिर मेरे चाचा मेरे सेकंड चाचा जो हैं वो उस्ताद राशिद जमाल जो कि उस्ताद जाकिर हुसैन खान साहब के शिष्य में से। क्या बात है। तो चाचाओं को देख देख के बड़ा कुछ सीखने को मिला। फिर उसके बाद मुझे अलग अलग स्टाइल्स सीखने थे। अच्छा। हाँ, मेरी रुचि बचपन से बहुत अलग थी कि मुझे पर्टिकुलर एक जॉनर में नहीं रहना था जी। कि मुझे ये था कि अगर मैं किसी काम को करूं तो उसको पूरा करने की कोशिश करूं जी। फिर चाहे मैं गजल बजाऊं, ठुमरी बजाऊं, दादरा बजाऊं, फिल्मी गीत बजाऊं, कथक डांस बजाऊं या फ्यूजन करूं जी, या डिस्को क्लब्स में बजाऊं। ओके। और आजकल जो EDM न्यू एज प्रोग्रेसिव म्यूजिक चल रहा है करेक्ट, तो वो भी कर पाऊं जी। तो ये सब जॉनर्स सीखने के लिए मुझे जाहिर सी बात है तालीम की तो जरूरत थी जी। और ये मेरा नसीब अच्छा है कि मेरे जिंदगी में काफी अच्छे अच्छे गुरु आए जिनसे मुझे तालीम प्राप्त हुई। सबसे पहले मैं नाम लूंगा पंडित मांगीलाल जी जो दिल्ली और जयपुर घराने से थे जी। उसके बाद फिर पंडित येंदे जी जो संगीत कला महाभारती में टीचर थे जी, उनसे तालीम भी मुझे मिली है। फिर उसके बाद मैंने तालियों की पंडित सुरेश तलवलकर जी, तो उनसे भी मुझे तालीम प्राप्त हुई है। मेरा सौभाग्य है, मेरा नसीब है जी कि मुझे उनसे भी प्रसाद मिला है। क्या बात है। फिर उसके बाद आगे तबले को बढ़ाने में मैंने फिर मैं गंडा शागिर्द हुआ उस्ताद हिदायत खान साहब। क्या बात है जी। तो हिदायत खान साहब का ऐसा था कि जब उनके यहां मैं जाता था तो देखता था कि क्लासिकल म्यूजिशियंस भी आ रहे हैं, वो भी तालीम ले रहे हैं, बड़े बड़े उस्ताद फयाज खान साहब दिल्ली के, वो भी गुरु जी के शागिर्दों में से थे। फिर इंडस्ट्री के टॉप म्यूजिशियन प्लेयर्स वो भी गुरु जी के यहाँ आ रहे हैं, जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में बजा रहे, म्यूजिक इंडस्ट्री में। फिर कथक डांसर्स काफी आया जाया करती थी, पंडिता एन सितारा देवी जी से उनका काफी घर पे आना होता था गुरु जी के यहाँ, वही गाना बजाना होता था, खाना पीना भी होता था, पूरा संगीतमय माहौल। तो मुझे वहां हर जॉनर हर स्टाइल सीखने को मिला। और ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे बड़े दिल से उन्होंने दिया। क्या बात है। हाँ, बड़ी ईमानदारी से, बड़े दिल से हिदायत खान साहब जी ने मुझे तालीम दी। और हर जॉनर को स्पेसिफिकली उन्होंने मुझे क्लेरिफाई करके बताया कि बेटा ये चीज इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है, तो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक से ही ये चीज निकली है। अच्छा। हमारी फाउंडेशन जो है वो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है, लेकिन उससे और भी शाखाएं निकलती हैं। जैसे आपको अगर गजल करना है तो गजल का क्या अंदाज होगा, और अगर ठुमरी दादरा बजाना है या करना है तो उसका क्या स्टाइल होगा जी। फिल्मी गीत होंगे, बॉलीवुड सॉन्ग्स होंगे जी, तो उसमें आपको क्या मैनरिज्म्स होते हैं उसके जी। तो ये हर जॉनर के अपने एक मैनरिज्म्स है। तो वो खान साहब से मुकम्मल तालीम मुझे प्राप्त हुई। और फिर ये काम तो ऐसा है कि आप जितना करें उतना कम है। बिल्कुल बिल्कुल। आज भी शिक्षा जारी है, आज भी मैं सीख ही रहा हूँ। आज मेरी शिक्षा मेरी जारी है हजरत अब्दुल शकूर कादरी चिश्ती शब्बी, मेरे मुर्शिद हैं, मेरे पीर हैं, मेरे गुरु हैं जी। उनसे भी मैं अभी आगे की तालीम कैरी ऑन कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना कि इतने सारे महान गुरुओं से, देखिए आप कुछ लोगों के आपने नाम सुने होंगे, नहीं सुने होंगे, इससे उन उस्तादों को, उन पंडितों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मीडिया तो आज आया है और टेक्नोलॉजी तो आज आई है, लेकिन उनकी सिखाई हुई चीजों को अगर आप देखना चाहते हैं तो आपके सामने है, अगर आप उनका अक्स देखना चाहते हैं तो आपके सामने है। तो
नहीं, मैं कोशिश करता हूँ हनी, मैं कोशिश करता हूँ, हालांकि मैं गुरु हूँ जैसा तो बन नहीं सकता, लेकिन उनके आशीर्वाद से कोशिश करता हूँ कि उनका दिया हुआ मैसेज मैं पहुंचा सकूं। बहुत बढ़िया। तो देखिए, गुरुओं का आशीर्वाद है और साथ में अपनी मेहनत तो है, अपना स्ट्रगल तो है ही, क्योंकि वो कहते हैं कि आप की मदद सिर्फ आप ही कर सकते हैं। आप इस बारे में क्या बोलते हैं सर? बेशक अपनी मदद आप खुद ही कर सकते हैं, और इस बारे में मैं आगे और खुल के आपको कहूंगा जी, जैसे जैसे बात बढ़ेगी जी। अपनी मदद इंसान को खुद ही करना पड़ता तो आगे बढ़ता है, ये बात सही है आपकी जी। तो उस्ताद जी, ये बताइए कि शिष्य गुरु को चुनता है या गुरु शिष्य को चुनता है? ये थोड़े कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, कई उस्तादों, कई पंडितों, कई विचारकों ने जो संगीत की दुनिया से हैं भी और नहीं भी, उन्होंने बोला कि कुछ बुक्स में भी है। तो आपका सवाल मुझे बहुत अच्छा लगा जी। इसके दो ऑप्शन है, दो आंसर्स है मेरे पास जी, दो तरीके से देना चाहूंगा जी। एक बात ऐसी है कि कुछ गुरुओं को रेडीमेड शागिर्द बहुत पसंद आते हैं जी, कि यार इसका हाथ तैयार है, पट्ठा सॉलिड काम कर रहा है जी, तो इसको अपने शरण में लो जी, शागिर्द बनाओ तो अपना जो ओपन द फ्रेंचाइज। एग्जैक्टली। और कई बार ऐसा होता है कि शागिर्द देखता है कि यार ये लॉबी बहुत अच्छी है, इनके शागिर्द हो जाओ तो यहाँ से अपने जो रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे, जिसका ट्रेंड आजकल चल रहा है जी। मैं नाम ही लूंगा, आप खुद समझदार हैं, बहुत से मैं देख रहा हूँ जो अभी बजा रहे हैं तबला और सीखा किसी और से, नाम किसी और का लिया जा रहा है, बेचारे मेहनत किसी और ने की जी, लेकिन नाम किसी और का लिया जा रहा है, बिकॉज ही हैज अ ब्रांड, बिकॉज ही हैज अ ब्रांड। हाँ, तो वो रास्ता उनके लिए आसान हो गया, तो ऐसा भी होता है जी। और एक चीज ऐसी होती है जहां किसी को चुनने की जरूरत नहीं है, आपका जो दिल है ना जी, वो आ जाता है कि यार मेरे को यही समर्पण होना है जी। तो वो एक सोल कनेक्टिविटी ऐसी होती है कि ना तो गुरु शागिर्द को चुन रहा है, ना शागिर्द गुरु को चुन रहा है, करिश्मा हो गया, एक करिश्मा हो रहा है, मिरेकल हो रहा है। तो वो जो चीज है उसको रूहानियत बोलते हैं जी जी। और मुझे ऐसा लगता है कि उसमें बहुत ताकत होती है जी। आपके साथ ऐसा किसके साथ हुआ है? बहुत ट्रिकी क्वेश्चन पूछा आपने। सभी गुरु अपनी जगह सर आंखों पे है मेरे जी। और मैं जहां जब गुरुओं का नाम आता है तो मैं कहीं भी नहीं हूं, मैं जीरो हूं एकदम जी। जीरो की भी अपनी वैल्यू होती है, मेरी वो भी नहीं है जहां मेरे गुरुओं का नाम आता है। लेकिन जहां मुझे ऐसा लगा कि मुझे दिल से मतलब एक पुकार आती है, एक समर्पण होता है जी, और मुझे वहां से फिर और दूसरे कई स्टाइल्स जो है जी, मतलब सारे स्टाइल्स वहीं पे मिले मुझे जी, जी। तो वो है उस्ताद हिदायत खान साहब। क्या बात है जी। जी, जी, वैसे ये सवाल पूछना तो नहीं चाहिए था कि गुरु में से किसको चुने, लेकिन एक दिल का रिश्ता होता है, एक रूहानियत होती है, तो टेलीपैथी कह लीजिए अंग्रेजी। मैं दो लोगों को सुन के बहुत मतलब मेरा दिल आ गया था जी। एक बोलते हैं ना कि गुरु पे भी दिल आता है जी जी जी, कि यार हाँ मेरे को यहाँ समर्पण होना है, प्रेम भाव, एक प्रेम भाव जी। एक उस्ताद हिदायत खान साहब जी, और दूसरे मेरे गुरु तालियोगी पंडित सुरेश तलवलकर। क्या बात। क्योंकि उनका जो एक जो पढ़न का अंदाज और एक जो जो एक लय से जो प्रेम है गुरु जी का, वो एक अलग ही है। मतलब आपको एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपको उसे आपको एक हेवन का मजा आने लगता है कि बैठे बैठे आप हेवन देख रहे हो जी। और इसको बयां करना मुश्किल है, और इसको बयां करना मुश्किल है। हाँ बिल्कुल, ये बात तो है। तो ये तालियोगी पंडित सुरेश तलवलकर जी का रहा कि मैं बहुत बहुत इंस्पायर्ड हुआ गुरु जी से जी, और कमाल रहा उनका। मतलब मैं जितना भी मुझे प्रसाद उनसे मिला है वो आज भी मेरे काम आ रहा है जी जी जी। और उसके बाद फिर उनके बाद उस्ताद हिदायत खान साहब जी, उनका जो बजाना था, उनका जो जो सबक था जी, और उनका जो बाएं की और जो एक जो चंचलता थी जी तबले की जी, तो वो उस पे दिल आ गया कि मैंने कहा यार ये
कमाल है। हाँ कमाल है। तो ये दो शख्स ऐसे हैं जिनसे मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ जी। और मतलब वो उन दोनों के बारे में मैं क्या कहूँ, मैं मतलब तुच्छ हूँ एकदम मतलब। जी जैसे जैसे कि मैं उस्ताद शादाब जी के बारे में कुछ कह नहीं सकता, मैं समझ सकता हूँ कि गुरु के बारे में क्या ही कहा जाए। तो शादाब जी मेरे पास एक क्वेश्चन है, वैसे मेरे पास काफी सवाल हैं और ये काफी ज्वलंत सवाल साबित हो सकते हैं, मुझे नहीं पता। देखो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा सवाल आप जो भी पूछे मुझे, मैं ये पहले क्लियर कर दूंगा क्योंकि मेरे वैसे ही वीडियोस बहुत लोग अलग अंदाज में लेते हैं जी। तो मैं आपसे कह रहा हूं आपके जो सवाल है वो आप मुझे बताइए, मैं डिप्लोमेटिक तरीके से कहूं या जो सत्य है, जो सच है, जो मेरे नजरिए से मुझे दिख रहा है, जो मैं महसूस कर रहा हूं वो कहूं, और जो चल रहा है, तो आप कौन सा आंसर चाहते हैं उसका? डिप्लोमेटिक वे में चाहते हैं ताकि किसी को बुरा ना लगे, या मैं सच कहूं?